कि एक कोयल पक्षी होता है कोयल, और कोयल जो मादा है वो अलग से घोंसला बना करके अंडे नहीं देती, बच्चे नहीं उत्पन्न करती, क्योंकि कौवे जो होते हैं वो कौवे और कवी उस कोयल के अंडों को खा जाते हैं, वो उनको सफल नहीं होने देते, उनमें से बच्चे उत्पन्न नहीं होने देते। तो कोयल क्या फार्मूला अपनाती है, मादा कोयल जब अंडे दे देती है किसी घोंसले में, और जिस समय वो कहीं चुग्गा चुगने जाती है मादा कवी, तो पीछे से वो मादा कोयल उस कौवे वाले घोंसले में जहां पहले दो अंडे दे रखे होते हैं अपने अंडे उस समय उत्पन्न कर जाती है। अब वो कवी आती है, वो देखती है चार अंडे हैं, वो पहचान नहीं पाती मेरे कौन से हैं दूसरे के कौन से, इस दृष्टिकोण से वो चारों को ही से देती है, चारों को ही वो सफल कर लेती है, उसमें से बच्चे निकल जाते हैं। जब वो बच्चे बनते हैं तो एक जैसा कलर होता है, एक जैसी उनकी क्रिया होती है, उनमें कोई पहचान नहीं कर सकता ये कौन सा कौवे का है कौन सा कोयल का। अब कोयल देखती रहती है दूर बैठकर वृक्ष की टहनी पर, देखती रहती है कि मेरे बच्चे उड़ने, ये बच्चे उड़ने लग गए कि नहीं, और पहचान कोयल को भी नहीं होती कि मेरे कौन से हैं कौवे के कौन से, और पहचान हो जाए तो वो उनको ले नहीं सकती क्योंकि वो उस कौवे के साथ घुल मिल चुके हैं। तो क्या फार्मूला अपनाती है, दूर पेड़ पर बैठकर वो कुहू कुहू की आवाज लगाती है। जो कोयल के बच्चे होते हैं वो ऐसे देखते हैं, ऐसे देखते हैं वो, क्योंकि जब वो उड़ने लग जाते हैं देख लेती है कि दूर तक उड़कर चले जाते हैं फिर वापस आ जाते हैं, उस समय वो कुहू कुहू की आवाज लगाती है दूर पेड़ पर बैठकर। अब वो कोयल वाले दोनों बच्चे ऐसे चारों तरफ नजर घुमाते हैं कि ये आवाज कहां से आई, फिर वो उड़कर उस आवाज की तरफ चल पड़ते हैं। उधर से कवी देखती है कि तेरे बच्चे गए, वो उनके पीछे दौड़ती है, वो काफी दूर वो कवी वो कोयल फिर उड़कर आगे चली जाती है, कुहू कुहू करने लग जाती है, कोयल के बच्चे फिर आगे उड़ जाते हैं अपनी माँ के बोली को की तरफ भाग लेते उड़ जाते। अब वो कवी सोचती है कि ये तो गए, कहीं दूसरे बच्चे भी ना चले जाएं, वो वापस आ जाती है और कोयल अपने बच्चों को साथ लेकर चली जाती है। पुण्यात्माओं, परमेश्वर ने अपनी पुण्यात्माओं को जो पहले किसी समय में किसी सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग में परमात्मा की भक्ति से जो परिपक्व हुए हैं उनको इसी काल के लोकों में जो केवल ब्रह्म की साधना करने वाले आन उपासना करने वालों के ही घोंसलों में उन्हीं के घरों में जन्म दे दिया।